क्यों? ईरान के शहर कुम का रेलवे स्टेशन है और अब हम रेल में बैठने जा रहे हैं। चल चुकी है अपने टाइम पे और मैं दिखाती हूँ ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइम पे ट्रेन चल चुकी है। और व्यूवर्स अगर आपने हमारे ग्रीन लाइन ट्रेन के ब्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं आपके इसमें यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें मिली हैं इस पाउच में, ये काफ़ी अच्छा पाउच है और इसमें एक हैंड फ्री है और ये कंघा है, छोटा सा टूथपेस्ट है टूथब्रश के साथ और क्या क्या है इसमें, मास्क है और ये अपना वो है कि अगर आप सोना चाहें तो सपोज लाइट प्रॉब्लम कर रही हो, ये स्लीपर्स हैं और ये वेट टिश्यूज वगैरह। काफ़ी अच्छा सिस्टम अब तक लग रहा है, काफ़ी आगे हम लोग पहुंच गए हैं। ये बाहर का मंजर देख सकते हैं आप, शाम की चाय के साथ या उन्होंने पूछा कॉफ़ी या चाय और ये आए हैं। आई थिंक ये कुछ ये क्या स्पून वगैरह क्या होता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। थैंक यू, ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी।
फाइनली हमारा ये ख़ूबसूरत सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा और हम सुबह तकरीबन 7:15 तक मशहद पहुंच गए थे। फिदक ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रहा। यहाँ पे सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, खाना भी बहुत बेहतरीन और मज़ेदार था और हमने पूरी कोशिश की कि आपको अपने साथ इस सफ़र में शामिल करें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर चाहें तो कमेंट भी कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कीजिएगा। और फाइनली हम मशहद के स्टेशन पे पहुंच गए थे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम और बहुत सफाई सुथराई का इंतज़ाम नज़र आया, कहीं पे कोई कचरा नहीं था। और ये हम उस बस में बैठ गए थे कि जिस बस में बैठ के हम उस होटल तक पहुंच गए कि जहाँ पे हमें स्टे करना था। और मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए यहाँ पे भी बना लिए थे ताकि आपको दिखा सकूं कि हमने किस होटल में और कहाँ पे क़याम किया था और फाइनली ये हमारा रूम है कि जहाँ पे हम ठहरे थे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।